हेलो दोस्तों, ये हमारे पास ओमेगा मेक का यानी कि एलएमटी मेक का हमारे पास यू पावर का एसीवी है। इसके बारे में हम एसेसरीज के बारे में और ब्रेकर के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि क्या है ब्रेकर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा अंदर करते हैं। ये हमारा हैंडल यहाँ पे हैंडल रखा जाता है। इसको हम बाहर निकालते हैं, इससे हम ब्रेकर को हम रैक इन रैक आउट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लॉक होता है, इसको हम ऑफ पुश बटन दबाते हैं जब हम इसको ओपन करते हैं और ये इसके अंदर मार जाता है। ठीक है, और इससे हम ब्रेकर को रैक इन रैक आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो ये हो गया दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों हमारा ऑफ पुश बटन होता है ब्रेकर को मैनुअली ऑफ करने के लिए। ठीक है, ये हमारा ऑन पुश बटन होता है ब्रेकर को मैनुअली ऑन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ऑफ का इंडिकेशन शो कर रहा है। अगर हमारा ब्रेकर ऑफ है तो हमारा ऑफ का इंडिकेशन शो करेगा, अगर हमारा ब्रेकर ऑन रहेगा तो हमारा यहाँ ब्रेकर ऑन का इंडिकेशन शो करेगा। ये हमारा चार्ज है, यानी कि हमारा भी जो इसमें जो मोटर लगी हुई है वो हमारी अभी चार्ज है, इसलिए चार्ज का ये इंडिकेशन शो कर रहा है। अगर ये डिस्चार्ज होगा तो हमारा डिस्चार्ज का इंडिकेशन शो करेगा। अब दोस्तों हम इस कवर को ओपन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने कवर को ओपन कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हमारी इलेक्ट्रिकल मोटर है। देखिए, ये हमारी इलेक्ट्रिकल मोटर है 220 वोल्ट एसी की। ठीक है, यही हमारी स्प्रिंग को चार्ज करती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी मोटर स्प्रिंग को चार्ज करती है। ये हमारे पुश बटन हो गए, ये हमारा स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए मैनुअली स्प्रिंग, यानी हमें मोटर जो हमारे स्प्रिंग चार्ज को हमें मैनुअली चार्ज करते हैं वो हम इससे करते हैं। ये हैंडल है हमारा, ठीक है, स्प्रिंग चार्ज हैंडल। दोस्तों ये हमारी यूवी रिलीज का मतलब होता है अंडर वोल्टेज कॉइल। ये अंडर वोल्टेज कॉइल है, ये हमारा क्लोजिंग कॉइल है, ये हमारी शंट कॉइल है। अंडर वोल्टेज कॉइल का जो बेसिकली जो काम होता है एसी में, जब भी इनकमिंग सप्लाई चली जाएगी तो हमारी जो ब्रेकर है वो परमानेंट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो क्लोज पोजीशन में जाएगा, वो हमारा ऑफ पोजीशन पे आ जाएगा, और जैसी हमारी सप्लाई आ जाएगी तो हमारा ये हेल्दी हो जाएगा और हम फिर ब्रेकर को ऑन कर सकते हैं मैनुअली पुश बटन से भी और हमारा ये टीएनसी से भी। ठीक है, ये टीएनसी हमारा होता है, टीएनसी हम ऑटो में ऑन कराने के लिए हम क्लोज को क्लोज और शंट को। ठीक है, ये शंट कॉइल का काम होता है ब्रेकर को ऑफ करने के लिए। ठीक है, अब दोस्तों हम इसके टर्मिनल्स के बारे में बात करते हैं कि क्या है ये। ठीक है, अब दोस्तों ये हमारे टर्मिनल्स हैं, एसीवी के टर्मिनल्स हैं ये हमारे सभी। ठीक है दोस्तों, ये हमारे एसीवी के टर्मिनल्स हैं, इस पर हमारी सब कंट्रोल वायरिंग आती है जिससे हमारे ये सब ऑपरेट होते हैं, हमारे अंडर वोल्टेज कॉइल, क्लोजिंग कॉइल, शंट कॉइल। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों सबसे पहले जो हमारा टर्मिनल है EC1 और EC2, दोस्तों जो हमारा ये जो है ना EC1 और EC2, ये हमारी मोटर की सप्लाई होती है, हमारी इलेक्ट्रिकल चार्जिंग मोटर की सप्लाई हमारी ये है। ठीक है, AC1 और AC2। ठीक है, और ये CH1 और CH2 ये है चार्जिंग इंडिकेशन। ठीक है, जब हमारी मोटर चार्ज हो जाएगी तो हमारा इससे इस पर हम जो वायरिंग करेंगे वो हमारा इंडिकेशन लैंप पे वायरिंग करेंगे इससे पता चल जाएगा कि हमारी मोटर चार्ज हो चुकी है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो 11-12 नंबर है, ये हमारा 11-12 नंबर हमारा NC कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, 11-12 नंबर हमारा NC कॉन्टैक्ट है और 13-14 हमारा NO कॉन्टैक्ट है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारा 21-22 हमारा NC कॉन्टैक्ट है, 23-24 हमारा NO कॉन्टैक्ट है, ऐसे ही हमारा 31-32 हमारा NC कॉन्टैक्ट है, ऐसे हमारा 33-34 हमारा NO कॉन्टैक्ट है, ऐसे हमारा 41-42 हमारा NC कॉन्टैक्ट है और 43-44 हमारा NO कॉन्टैक्ट है। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट हैं हमारे। ठीक है, जो हमारे कंट्रोल सर्किट में यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो दोस्तों हमारा D1 और D2 है, जो D1 D2 है, ये हमारे अंडर वोल्टेज कॉइल के लिए सप्लाई जा रही है। ये जो हमारी है ये UV रिलीज जो है हमारी है, इसको सप्लाई देने के लिए हमारे ये टर्मिनल यूज होते हैं D1 और D2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आ जाते हैं A1 और A2। A1 A2 हमारे होते हैं क्लोजिंग कॉइल के लिए। ठीक है, ये हमारे क्लोजिंग कॉइल के लिए हमारी सप्लाई जाएगी हमारे A1 और A2 से, और C1 C2 जो होता है हमारा C1 C2 हमारा होता है शंट के लिए, यानी कि हमारी जो शंट कॉइल लगी हुई है
इसके लिए हमारे संट कोयल यूज होती है। संट कोयल के लिए हमारा ये टर्मिनल यूज होते हैं C1 और C2। और TCS ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले इसके लिए होती है। और 131, 132, 134 जी हमारा होता है ट्रिप कॉन्टैक्ट, यानी कि एक ACV के लिए हमारा ट्रिप कॉन्टैक्ट होता है। जब भी हमारा ACV ट्रिप हो जाएगा तो हमारा इसके थ्रू हमारा इंडिकेशन ट्रिप का इंडिकेशन ऑन हो जाएगा, ठीक है। 102, 101, 102 और 104 जो हमारा होता है ये रेडी टू क्लोज टर्मिनल होता है, ठीक है दोस्तों, रेडी टू क्लोज, ठीक है दोस्तों। हमारा जो दोस्तों ये होता है टेस्ट, डिस्कनेक्ट और कॉमन। टेस्ट पे क्या होता है, जब हमारा ये हमारा ACV टेस्ट पोजीशन पर रहेगा तो हमारा टेस्ट का इंडिकेशन ग्लो करेगा, ठीक है। और जब हमारा डिस्कनेक्ट पोजीशन पर रहेगा तो हमारा डिस्कनेक्ट पे जब हमारा ये रहेगा तो हमारा इंडिकेशन हम इससे ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो हमारे दोस्तों टर्मिनल की बात हो गई, ये हमारे टर्मिनल डिटेल्स हो गई दोस्तों। बेसिकली जो ACV है, ACV को हम एयर सर्किट ब्रेकर कहते हैं, एयर सर्किट ब्रेकर, ठीक है दोस्तों, यही है दोस्तों हमारा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा मैं आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।